नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं चाइनीज वर्सेस ऑल अदर कंट्रीज के टायर्स के बारे में। मैंने और रवि भैया ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम जो है इनके बारे में बात करें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आते हैं रवि भैया, तो वो चीज़ है। बाकी दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय tyremarket.com जो है वो, वहाँ पे आप किसी भी तरह की टायर जो आपकी इच्छा है वो खरीदो, कोई यहाँ पे रोक नहीं रहा है। टायर, गाड़ी, कार, हाँ, बाइक का, कार का, जिसका चाहिए सब मिलता है उधर, और लुब्रिकेंट्स भी मिलते हैं आपको, और भी कुछ चीज मिलती है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। और रवि भैया को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कि कौन सा टायर खरीदना है पूछ सकते हैं, ये टायर एक्सपर्ट है। और इन्हीं से आज हम बैठा के पूछेंगे कि टायर्स चाइनीज, इंडियन या जो भी जहाँ से भी आते हैं, उनमें फर्क क्या है बेसिकली। और एक एक भ्रांति बनी हुई है कि चाइनीज टायर मतलब बेकार टायर, ये चीज ना, ये चीज आप मान के चल, देखो मैं चाइना का फैन नहीं हूँ कोई, ठीक है, मुझे कोई प्यार नहीं उनसे, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू रियलाइज कि चाइना भी एक कंट्री है, और वहाँ पे भी लोग अच्छे टायर खरीदते होंगे, और वहाँ की कंपनीज भी अच्छे टायर बनाती होंगी, और वहाँ के मतलब डिमांड है मार्केट में वहाँ पे भी। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भी लोगों को अच्छे बुरे टायर दोनों मिलते हैं, बनाए जाते हैं, सप्लाई किए जाते हैं, और हर कंट्री में होता है ऑब्वियसली। तो रवि भैया, मुझे सबसे पहले बताओ कि चाइनीज टायर क्या है, मतलब कुछ अलग ही होते हैं, क्या होता है, क्या उनका सिस्टम बेसिकली कैसा होता है। हम लोग जो भी प्रोडक्ट चाइना से खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि हमको पैसे बचाने हैं। तो हम लोग जब भी पैसे बचा रहे हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप चाइना में जाते हो, आप उनको चाइना में बोलते हो कि मुझे 800 रुपए का टायर बना दो, बोलेगा 800 रुपए का लाओ, ये 800 का टायर, आप बोलेंगे नहीं 1200 वाला बना दो, ये 1200 वाला टायर, वो बना के देगा। लेकिन उसके लिए वो क्या रिसर्च कर रहा है, उसका क्या मटेरियल यूज कर रहा है, आप उसको पैसे कम दे रहे हो तो मटेरियल बराबर हल्का लगा, एग्जैक्टली, तो जहां मिक्सचर मिक्स जो है सही नहीं लगा रहा होगा, कार्बन रबड़ का मिक्स सही नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ चाइना की कंपनियां जो बेहतरीन टायर बनाती है, जैसे ब्रिजस्टोन हो गया, मिशलिन हो गया, या योकामा हो गया, इनकी सबकी फैक्ट्री है चाइना में, वहां पे वो बिक भी रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो है, जिनका नाम मैंने नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कंपनियां जो सस्ते में टायर बना के इंडिया में ला रही है, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये अननोन ब्रांड्स है, तो कोई दिक्कत अगर आती है, क्योंकि टायर ये सेफ्टी पार्ट होता है, अगर कुछ दिक्कत आती है, जैसे टायर में बल्ज आ गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया, तो आप किसको कॉन्टेक्ट करोगे, क्योंकि उनकी कंपनी ही नहीं इंडिया में। पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ठीक है। सो हमें देखना है कि हम जब टायर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाड़ी का, उसके लिए जैसा आप कितना अच्छा शूज, नाइकी का शूज पहनो तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, आप बाटा का शूज पहनो तो भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन हम अगर लोकल शूज लेते हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरर भी है अच्छे, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में वो शूज को यूज करते हो तो आपका परफॉर्मेंस नहीं मिलता। एग्जैक्टली। अब मुझे इससे याद आ गया, पहले चाइना के मोबाइल आते थे रवि, अब उन बातों को तो हो गए 7-8 साल, स्टार्टिंग जमाने लगे, देखो चाइना का ही ब्रांड है अभी। हाँ, यही तो मैं यही कंपैरिजन डालना चाह रहा हूँ। अभी आईफोन है, चाइना से ही बन के आ रहा है। उस टाइम पे मुझे याद आता है, मैं कश्मीर गया हुआ था एक बार, और वहां पे मैंने एक फोन देखा था जिसमें बहुत सारे स्पीकर वगैरह थे, यूं थे, और उसमें घोड़ा नाचता था जैसे ही फोन चालू करते थे, ऑन करते थे, तो मैंने उसको पूछा ये क्या है, तो बोला ये चाइनीज मोबाइल है, बहुत सस्ता है, बहुत कमाल है। और मैंने वो फोन जो है कुछ दिन, मतलब मैं 4-5 दिन मैंने यूज किया था, और वो मैं 4-5 दिन में समझ गया कि किसकी क्या औकात है, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे मैंने एक और कंपनी थी, बहुत ढंगी कंपनी थी, अभी भी है, उसका मैंने मोबाइल यूज किया था, और उसके पीछे लिखा हुआ मेड इन चाइना, ठीक है, जबकि वो बहुत बढ़िया मोबाइल था। तो मैंने कहा यार चाइना में तो ये भी बन रहा है, चाइना में ये भी बन रहा है, सब चीजें बनती है, कार भी आती है चाइना से आती है, काफी चाइनीज कंपनी है जो अच्छी कार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कोई अच्छे टायर से बहुत अच्छी कंपनी के जो चाइना से मैन्युफैक्चर हो क्या रहे? हाँ, जैसा मिशलिन है, जो अभी मिशलिन मोस्टली थाईलैंड से ला रहा है, लेकिन पिरेली के आते हैं, चाइना से आते हैं, लेकिन पिरेली का खुद का प्लांट है, तो रबर क्वालिटी अक्रॉस द वर्ल्ड पिरेली सेम यूज सेम यूज करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गगन वीडियो बना रहा है इंडिया से, गगन वीडियो बना रहा है चाइना से, गगन वीडियो बना रहा है यूएसए से, पर बना गगन रहा है, उसके स्टैंडर्ड वही है, मेरे को भैया जो देना है क्वालिटी मैं वो दूंगा। हाँ, मैं हो सकता है चाइना में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वहां पे वीडियो बनाना सस्ता हो, सस्ता हो, तो मैं सोचता हूँ कि यार मेरे थोड़े पैसे बच जाएंगे। चाइना भी बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, आज पिरेली चाइना में बना रहा है तो सस्ता भी है, प्लस उनका मास प्रोडक्शन वहां पे है, वहां पे यूज भी कर रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं, प्लस जैसे अभी थाईलैंड की बात हुई, कई कंपनी थाईलैंड से ले आती है, तो ये चीज ओवर द टाइम होने लगी है। कुछ साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश स्पेशली, वहां पे कई प्रोडक्ट्स बनने लगे हैं, जूते, कपड़े, ऐसे कई चीजें जो बनने लगे, तो कंपनीज जारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड है, या नाइकी जारा, जैसे बड़े जारा के बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से भी आ रहे हैं। हाँ, तो अब वो चीज में लॉजिक क्या है, सिर्फ चाइना में बन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है, सिर्फ यूएसए में बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं बढ़िया है वो, तो हाँ, लेकिन हमें ब्रांड और क्वालिटी देखना है, कुछ कॉस्ट देखना है,
क्योंकि आप अगर सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार सही बात है तो आप कितना पैसा डाल रहे हो और क्या क्वालिटी पा रहे हो वो इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है। तो ये बातें मोटी मोटी, चाइनीज टायर भी अच्छे हो सकते हैं, चाइनीज टायर भी बेकार हो सकते हैं, इंडियन टायर्स अच्छे हो सकते हैं बेकार होते हैं। अच्छा एक बात बताऊँ मुझे रवि भैया कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इंडिया में प्रॉपरली कार टायर्स बना रहे हैं, अच्छे वाले बना रहे हैं? नहीं अभी जैसा ब्रिस्टोन है, योकोहामा है, फिर मिशलिन भी ट्रक बस रेडियल के टायर्स इंडिया में बना रहा है, फिर सबसे बेस्ट इंडियन कंपनी जो है इंडिया में बना रहा है वो लाइक वन ऑफ द गुड टायर कंपनीज अपोलो, अपोलो जो अपना प्लांट अब्रॉड में डाल के जाके भी डाला है, होम ग्रोन ब्रांड है, एमआरएफ मद्रास रबर फैक्ट्री बोलो तो एमआरएफ उनका है, सीएड है, इंडिया में बना रहा है। लेकिन ये परफॉर्मेंस टायर जो होते हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट करके कोई इंडियन कंपनी उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर रही है उतना। एक चीज और, जो कंपनी जहां ग्रो करती है उसको वहां का मार्केट उसके रग में बस जाता है, ये चीज भी माननी पड़ेगी। इंडिया के ब्रांड्स टाटा महिंद्रा जो है जो गाड़ियां बनाते हैं वो मतलब सुपरकार्स नहीं बना रहे हैं, रीजन ये है कि इंडियन मार्केट में सुपरकार की डिमांड नहीं, नहीं है बराबर। जैसे ही गाड़ियों की डिमांड की गई थी वैसे बनाई, टाटा ने इंडिका की डिमांड देखी, उन्होंने इंडिका बनाई। अगर उस टाइम भैया आप सब बोल रहे होते हमें चाहिए सुपरकार जो दौड़नी चाहिए 500 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है तो टाटा बना देती, हो सकता है ठीक है तो मार्केट उतना रहना। एग्जैक्टली, तो सेम टाइम पे इंडियन टायर ब्रांड्स जो है उनको अब थोड़े अच्छे टायर की डिमांड आने लगी, अभी नए नए नॉर्म्स भी आए जैसे BS4 BS6 नॉर्म्स आए हैं कार में, वैसे टायर में भी नॉर्म्स आने वाले हैं। जैसे आप रेफ्रिजरेटर पे लिखा होता है कि कितना पावर सेविंग करेगा तो वैसे टायर पे भी लिख के आएगा कि ये कितना फ्यूल सेव करेगा। मैं सर कतर में था या यूएई में था, कतर में था पता नहीं कहाँ था या मलेशिया में था, वहां पे टायर्स पड़े थे कुछ डिस्प्ले पे और उन टायर पे लिखा हुआ था कि ऐसे मतलब ऐसे साइन बड़े हुए थे येलो रेड लाइंस। मेरे पास में भी एक टायर अभी आपको दिखाता हूं, उसमें दिखाया हुआ था कि कौन सा टायर किसके लिए कितना जाना जाता है, ग्रिप के लिए कौन कितना जाता है, और ये और नीचे लिखा होता है उनमें मेड इन इंडिया मेड इन चाइना वो सब चीजें भी लिखी होती है। तो मोटा मोटी बात ये है कि भैया टायर्स जो है वो मेड इन चाइना हो इंडिया हो। अच्छा एक और चीज पे बात कर लेते हैं, क्या मेड इन चाइना टायर्स की भी वारंटी होती है? कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी देता है। हाँ अगर डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहा है तो आपको वारंटी दे रहा है कंपनी है यहाँ पे। ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो कंपनी इंडिया में नहीं है, नहीं है, नहीं है, राइट। जो बड़ी कंपनीज है उनका तो आ ही रहा है, उनका तो लॉगर उनका तो वारंटी आ ही रहा है, जैसे पिरेली है चाइना से बन के आया पिरेली वारंटी दे रहा है, कुछ दिक्कत आता है तो उनका आपको वारंटी में भी अलग अलग चीजें होती है जिनकी बात एक सेपरेट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वारंटी भी एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है क्योंकि हर कंपनी अलग अलग वारंटी दे रही है। जैसा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है वारंटी में तो वो सारी कंपनियां दे रही है। बड़ी बात क्या है, फाइन ट्यूनिंग होती है, छोटी 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 चीजें लिखी होती है तो वो हमें समझ नहीं है, वो हमें समझ नहीं है। और तो वही टायर में टेक्निकल टर्म्स काफी है तो वो भी टेक्निकल टर्म्स, और मोस्टली इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना के बराबर है। हाँ, सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी प्रोडक्ट है इसकी वजह से। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना के बराबर जो बल जाता है, लोग बोलते हैं बबल आ गया ये आ गया, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं, वो डैमेज है एक टाइप का। मुझे इसका एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। और मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ जो आपने आज मुझे बताया, वो मुझे मस्त पॉइंट लगा था, वो ये टायर हम लेते हैं, ये टायर में दो पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको, एक तो ये येलो पॉइंट राइट और एक ये रेड पॉइंट। रेड पॉइंट मुझे नहीं पता था आज तक कि इनका कोई मतलब होता है, ठीक है मुझे नहीं पता था भाई, लेकिन आज रवि भैया ने जो है मुझे बताया इनका मतलब होता है। तो अब ये मतलब क्या होता है ये कभी और किसी सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। तो ये चीजें टायर के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे पास, आगे भी ACPG यानी कि ऑटोमोबाइल ज्ञान भाई गगन वाली वीडियो आती रहेगी, कभी रवि भैया के साथ आएगी कभी हमें अकेले काम चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल ये है बातें, tyremarket.com अगर आपको टायर खरीदने हैं वहाँ से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे यहाँ कहीं होगा और डिस्क्रिप्शन में मतलब, बाकी मेरा और रवि भैया का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी वहीं है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद। और शेयर करते रहिए चैनल को, 1 मिलियन जल्दी पहुंचना है क्योंकि मैं गगन को भी बोल रहा था कि अपन एक मिलियन जो है नंबर भी मायने रखते हैं, नंबर भी मायने रखते हैं तो हमको, चलो हमारी तो जो अपना ऑडियंस होता है वो हमें देखता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है जैसी हम लोग बना रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ेगा। और प्लस फॉलोअर्स तो देखो है ही है, बहुत बड़े फॉलोअर्स है हमारे और काफी लोग पसंद करते हैं, मैं खुद एक गगन का फैन हूँ, लेकिन
शेयर करती है, शेयर करते रहिए वीडियो को, तो जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उतना ज्यादा जो मजा आएगा, मजा खुशी होती है ना क्रिएटर को, की एक अप्रिसिएशन है, जो फॉलोअर्स मतलब नंबर्स जो है ना वो एक अप्रिसिएशन है। मुझे कई लोग अवार्ड है, मुझे कई लोग पूछते हैं बोले कि अरे यार भैया 1 मिलियन क्यों नहीं हो रहे, तो मैं बोलता हूं मुझे भी नहीं पता। तो आपको मैं बता देता हूँ मंत्र क्या है। मंत्र ये है, आप उनका वीडियो शेयर करते रहिए और जितने जितने ज्यादा हो सके उतने सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। बस चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।